तो नूह हिंसा को लेकर देखिए लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है और अब तक नूह हिंसा में क्या क्या हुआ है अपडेट आपको दे रहे हैं। नूह में जो कर्फ्यू है उसमें ढील दी गई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं हर अपडेट। आज बैंक एटीएम फिर खुलेंगे और एटीएम वाले बैंक वाले काम आप कर सकते हैं। 11 बजे से 2 बजे तक बैंक खुले रहेंगे। तो दोपहर 3 बजे तक ही बैंक खुले रहेंगे। एटीएम दोपहर 3 तक खुले रहेंगे। सभी सरकारी ऑफिसेस आज से खुल रहे हैं। कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। इस बीच जो पाकिस्तान से पोस्ट किए गए वीडियोस थे, ऐसे 200 वीडियोस है जानकारी, इनकी जांच हो रही है। आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन भी लगातार हो रहा है। एसआईटी के साथ गुरुग्राम की पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। तो किस तरीके से हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं, YouTube चैनल्स पर भी पुलिस की नजर लगातार है, कोई भी ऐसी चीज सामने न आने पाए सोशल मीडिया पर जो भ्रमित करे, अफवाह को और बढ़ावा दे और माहौल को खराब करे। लिहाजा हर एक स्तर पर जांच हो रही है और हर एक स्तर पर जो अलर्ट मोड है प्रशासन का वो जारी है। तो गुरुग्राम पुलिस को अहम सबूत मिले हैं नूह हिंसा में साजिश के तार सीमा पार, यानी कि पाकिस्तान से भी जुड़े हो सकते हैं इसके तार, और उसकी जांच भी हो रही है। सोशल मीडिया की जांच के दौरान दरअसल ये सबूत मिले हैं। सबूतों की जांच में गुरुग्राम पुलिस लगातार जुटी हुई है। बता दें आपको कि 200 से ज्यादा ऐसे विवादित पोस्ट हैं जिन पर अब कार्रवाई करने की तैयारी है। 4 सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ये वो विवादित पोस्ट हैं जिनके जरिए उकसाया गया। 2 फेसबुक 2 ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक किए गए हैं। 16 सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट की गई है नूह हिंसा से पहले और बाद में ये विवादित पोस्ट किए गए थे। और इस बीच देखिए जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है उसके जहरीले वीडियो सामने आ रहे हैं, जो पाकिस्तानी कनेक्शन है वो सामने आ रहा है, उसकी भी जांच हो रही है। और ऐसे कई सारे पोस्ट हैं, 200 के आसपास ऐसे पोस्ट की संख्या जिनको लेकर जांच हो रही है। सान मेवाती ये पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है जिसने ये वीडियो पोस्ट कर उकसाया है, इसकी भी जांच की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो तमाम पोस्ट सामने आ रहे हैं अब, ये नूह हिंसा के पहले के कुछ बाद के पोस्ट भी हैं और इन्हीं के जरिए उकसाने की कोशिश की गई है। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विवादित बयान दिए गए हैं जिसके कारण लोगों को उकसाया जा सके। और अब उन विवादित पोस्ट पर भी पुलिस की नजर है, प्रशासन का एक्शन उस पर भी देखने को मिल रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, सीधे तौर पर इन पोस्ट को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि पूरी उकसाने की कोशिश हुई है और यही वजह है कि अब प्रशासन की जो नजर है वो इन तमाम विवादित पोस्ट पर भी है ताकि इन तक पहुंचा जा सके। देखिए निश्चित तौर पर शुरुआत से ही ये पोस्ट सामने आई और इस पोस्ट के बाद साफ तौर पर लगता है कि इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी और इस तरह की कैसे पोस्ट डालकर लोगों को कहीं न कहीं उकसाया गया और पूरे हिंसा के लिए इस पोस्ट को जिम्मेदार मान रहा है। इसीलिए अलग से टीम बनाई गई है और लगातार सोशल मीडिया के जो तमाम पोस्ट किए गए हिंसा से पहले और हिंसा के बाद, तमाम पोस्टों पर गहन निगरानी रखी जा रही है। कुछ लोगों को उस पोस्ट के जरिए गिरफ्तार भी किया था, लेकिन ताज़ा हालात में बात नूह को दिखाना चाहूँगा कि पिछले सोमवार को इसी जगह पर शोभा यात्रा निकली थी और नलहर मंदिर का जो ये जाने का रास्ता है और इस पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, आगजनी की घटना घटी थी। लेकिन आज प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, इस रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है और आपको यहाँ पर लोकल पुलिस, अलग अलग राज्यों के जो हरियाणा के अलग अलग जिलों की पुलिस को यहाँ पर लगाया गया ताकि बिल्कुल राजू राज नूह से ये लाइव विजुअल्स आप इस पर दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूदा परिस्थिति कैसी है। हालात धीरे धीरे सही लेकिन सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे। कुछ और इनपुट्स आएंगे, डिटेल्स आएंगे, हम लौटेंगे राजू राज के पास। जी